हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग का यूज़ क्या है, सी प्रोग्रामिंग क्यों बनाई गई, सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप लोगों को किसी भी लैंग्वेज को सीखना है, आपको अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो मेरे हिसाब से पहले आपको सी प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। सी प्रोग्रामिंग को सीख लेने से आप आगे की लैंग्वेजेस को बड़ी आसानी से सीख सकते हो। सी एक ऐसे बोला जाएगा तो इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? देखिए, इसमें प्रोग्राम का ये मतलब होता है कि कुछ लॉजिक बिल्ड करना। जैसे फॉर लूप एक स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग देखेंगे, फॉर लूप है, इफ़ है, मतलब कंडीशन रिलेटेड जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं आप वो प्रोग्रामिंग की मदद से कर सकते हो। अगर आप पेंट में कोई इमेज बनाते हो, इसका ये मतलब नहीं कि वो इमेज जो है अपने आप ही ब्लिंक करने लगेगी, अपने हिसाब से काम करने लगेगी, मैं उस इमेज पे क्लिक करूँगा तो कोई और काम होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप प्रोग्राम नहीं करते ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। चाहे इमेज की बात करूँ या किसी एप्लीकेशन की बात करूँ या मैं किसी वेबसाइट की बात करूँ, सब कुछ पॉसिबल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। तो जिसमें से जो सी लैंग्वेज है इसके बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो सी प्रोग्रामिंग को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जैसे बाइनरी सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। देखिए, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करूं तो आप लोगों ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम सुने होंगे, जैसे विंडोज सुना होगा, लिनक्स सुना होगा, मैक सुना होगा। एप्पल मैक को बनाती है, लिनक्स एक कंपनी जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक है विंडोज़। तो विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आप लोगों ने विंडोज़ XP सुना होगा, विंडोज़ विस्टा सुना होगा, विंडोज़ 7 सुना होगा, विंडोज़ 8.1 सुना होगा, विंडोज़ 10 सुना होगा, जिसमें से आप यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, विंडोज़ का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही हमें प्रोग्राम्स को लिखना है, प्रोग्राम्स बनाने हैं और हमें एक एप्लीकेशन बनाना है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी बातें समझ पाए इसके लिए आप कुछ कोड लिखते हो। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ बाइनरी नंबर्स को समझ पाता है। ये बाइनरी नंबर्स हैं 1001, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से बाइनरी नंबर से बना हुआ है, मतलब जिसमें 01100, ये पूरी सिस्टम ही इस तरह से बनी हुई है। तो आप जो भी कोड लिखोगे सी प्रोग्राम का, वो कोड तो नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाएगा या फिर किसी और लैंग्वेज में लिखा जाएगा, आप बाइनरी नंबर्स में तो कोड नहीं लिखने वाले हो। तो इस कोड को जो भी आप लिखोगे उसे कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा मशीन के लैंग्वेज में, ताकि मशीन समझ पाए। तो मशीन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? उसे समझना। जब आप उसे समझा ही नहीं पाओगे कि आपने कोड क्या लिखा है, तो मशीन रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आप जो चाहते हो उस तरह से काम नहीं करेगा। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोड को, आपने जो भी कोड लिखा है उस कोड को मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि मशीन समझ पाए। यही कन्वर्ट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें से एक, जैसे मैं बात करूँ, एक सॉफ्टवेयर है सी प्रोग्रामिंग को चलाने के लिए जिसका नाम है टर्बोसी, एक है कोड ब्लॉक्स, एक है डेव CPP, एक है लाइन एडिटर विद GCC कंपाइलर। ये कंपाइलर क्या है? कंपाइलर का ही काम होता है हमारे कोड को मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, मान लेते हैं ये पूरा, ये जो दिख रहा है इतना पोर्शन, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो सबसे पहले जो भी कोड लिखा हुआ है, देखिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा बाइनरी नंबर से बना हुआ है। अब आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, मान लेते हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है कोड ब्लॉक्स या फिर टर्बोसी, जिसमें हम सी के प्रोग्राम्स लिखते हैं। टर्बोसी TC लिख देता हूँ यहाँ पे, टर्बोसी कोड ब्लॉक्स CB लिख देता हूँ, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से हम कोड लिखते हैं। मान लेते हैं ये मैंने सी प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, इस कोड को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन के लैंग्वेज में। मशीन तो देखो बाइनरी नंबर्स को ही समझ पाता है, तो कंपाइलर कन्वर्ट करता है, कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, ये हो चुका है कन्वर्ट। अब हमारा मशीन
रीड कर सकता है। मतलब एक फाइल है हमारी, इस फाइल का नाम हम रख सकते हैं जैसे ABC रख देता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा इस फाइल को सेव करते समय abc.c। मैंने एक सी की फाइल बनाई है और वो कन्वर्ट होने के बाद कंपाइलर नई फाइल्स बनाता है। कौन सी बनाएगा कंपाइलर? कंपाइलर दो फाइल बनाएगा, abc.o और दूसरी बनाएगा abc.exe। ये जो exe फाइल बनी हुई है, ये फाइल है हमारा कंप्यूटर रीड कर पाएगा, कंप्यूटर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी हुई फाइल है। मान लेते हैं आपने कोड ही गलत लिखा, यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया, मिस्टेक कर दी, तो कंपाइलर कन्वर्ट कैसे करेगा? कंपाइलर रीड करता है सी प्रोग्रामिंग को और कन्वर्ट करता है। जब आप गलत ही लिखोगे तो ये रीड कैसे कर पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, तो कन्वर्ट क्या करेगा? तो आपको प्रोग्राम सही लिखना है। अगर आप प्रोग्राम सही लिखते हो तो कन्वर्जन बड़े आसानी से हो जाएगा। तो यही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से काम किया जाता है, कंपाइलर किस तरह से काम करता है। जो भी सी का प्रोग्रामर, जो कंपाइलर होता है, उसका नाम है GCC कंपाइलर। यही एक कंपाइलर है जो सी की प्रोग्राम को रीड करता है और उसे कंपाइल करता है। इसके अलावा हिस्ट्री की अगर बात करें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई थी 1972 में। डेनिस रिची, ये जो है, इन्होंने सी प्रोग्रामिंग बनाई थी 1972 में और बेल लेबोरेटरी में ये काम करते थे। वहाँ ये कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, AT&T कंपनी है, उसके अंदर बेल लेबोरेटरी है, वहाँ ये काम करते थे। उन्हें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो काम कर रहे थे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और कुछ सॉल्यूशन, कुछ प्रॉब्लम था जिसे सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई थी, सी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, इट सी प्रोग्रामिंग जो है वो बी लैंग्वेज के बाद आई, BCPL लैंग्वेज के बाद आई है। पहले बी लैंग्वेज आई थी, देन BCPL लैंग्वेज आई थी, उसके बाद सी लैंग्वेज आई थी। इसके अलावा सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड टू बी यूज इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई गई थी। इट इनहेरिट्स मेनी फीचर्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेजेस सच एज बी एंड BCPL। तो ये कुछ फीचर्स जो हैं बी लैंग्वेज के और BCPL के, वो फीचर्स का यूज़ करती है, इसे इनहेरिट कहा गया है। इसके अलावा सी इज़ वाइडली यूज लैंग्वेज, बहुत जगह यूज़ की जाती है, सिंपल है बहुत, इसके लिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। मशीन इंडिपेंडेंट है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है, इसका ये मतलब है किसी भी मशीन में आप इसे चला सकते हो। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम अगर होगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने फाइल को कन्वर्ट किया है, तो किसी और विंडोज़ में आप इन फाइल्स को सी के चलाया जा सकता है। पोर्टेबल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये मतलब है कि ये लो लेवल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग को। लो लेवल प्रोग्रामिंग मतलब सिस्टम प्रोग्रामिंग, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा बना हुआ है वो एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना हुआ है, तो उसे लो लेवल सिस्टम प्रोग्रामिंग कहा जाता है। हाई लेवल मतलब जैसे स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे व्हाट्सएप, ये एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हाइक एक एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम है, ये सारे एप्लीकेशंस हाई लेवल एप्लीकेशन है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें दोनों टाइप के एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं, मतलब दोनों लेवल की कोडिंग की जा सकती है, लो लेवल और हाई लेवल। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब इसके अंदर कुछ फंक्शंस का भी यूज़ किया जाता है, फंक्शंस का यूज़ करना ही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। मैं इसके बारे में आगे के वीडियोज़ में बात करूँगा। रिच लाइब्रेरी, इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी की फाइल्स हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो आप डिक्शनरी का यूज़ करोगे। मान लेते हैं एक डिक्शनरी है जो सिर्फ 100 पेजेस की है, तो आपका पूरा टास्क नहीं हो रहा, आप पूरी तरह से इंग्लिश को नहीं सीख पा रहे, तो आप और डिक्शनरी का यूज़ करोगे। तो मतलब आपके पास बहुत सारी डिक्शनरीज हैं, तो उसी तरह से बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं सी प्रोग्रामिंग के पास, तो जिसकी मदद से बहुत सारा कोड बड़े आसानी से किया जा सकता है। मेमोरी मैनेजमेंट, इसमें मेमोरी मैनेजमेंट की फैसिलिटी है, मेमोरी को मैनेज करना, मेमोरी के अंदर डेटा को रखना, मेमोरी से डेटा को निकालना, ये सारी चीज़ें सी प्रोग्रामिंग में पॉसिबल है। फास्ट स्पीड बहुत अच्छी है सी प्रोग्रामिंग की। पॉइंटर्स की कंसेप्ट है, जिसे हम पढ़ेंगे आगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, जो एड्रेसेस दूसरों का रखते हैं उन्हें पॉइंटर्स कहा जाता है। रिकर्शन का मतलब है एक बार जो कोड आपने लिखा है उसे बार बार चलाना, तो ये भी फैसिलिटी है इसके पास। इसके अलावा है एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि एक्सटेंड करना, जैसे कोई
नए नए वर्जन्स मार्केट में आ रहे हैं, नया नया कोड आ रहा है, तो सी प्रोग्रामिंग उसे इजीली अडॉप्ट कर सकता है। मतलब कुछ नई टेक्निक्स हैं, इसका एक फीचर है सी प्रोग्रामिंग का, जिसमें अगर कुछ नई टेक्निक्स मार्केट में आती हैं सी प्रोग्रामिंग के लिए, तो सी प्रोग्रामिंग इजीली अडॉप्ट कर सकता है नई टेक्निक्स को भी, और नए फंक्शंस को यूज़ किया जा सकता है। बहुत कुछ पॉसिबल है सी प्रोग्रामिंग में। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं और भी पार्ट्स अपलोड करने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे सी प्रोग्रामिंग के पार्ट्स को अपलोड किया है। आप लोग चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जो मैंने काफ़ी ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। और ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप लोग मुझे कॉल करके भी आपके डाउट्स पूछ सकते हो। मेरा फेसबुक का पेज है, जिसे आप लोग लाइक कर सकते हो, और आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।